हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं अभी सूर्य उदय हो रही है। तुमसे नहीं होगा फिर। लग रहा है तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बेल्ट लग गया है, अभी इसको खोल देते हैं जब नाश्ता कर लोगे और उसके बाद। ठीक है, ऐसे हो गया, बैठो हम नाश्ता लेके आते हैं। आज स्कूल जाना है ना, बस दो दिन। और बाल कैसे हो गया है? दो दिन नहीं जा। फिर छुट्टी है, कल लास्ट है। उठो पियो, उठो। आज नाश्ते में भिंडी का भुजिया है, साथ में मैंने पराठा बनाया है और ये चाय बन रही है। तो मैंने एक्स्ट्रा तेल को साइड करने के लिए ऐसे कर दिया है भिंडी को। सारा तेल यहाँ बीच में जमा हो जाएगा और मैं इसे फिर निकाल दूंगी। स्कूल चला गया और लल्ला तैयार हो रहा है, उसके बाद पीहू का नंबर आएगा, फिर पीहू स्कूल जाएगी। अब एक दो दिन और स्कूल है, उसके बाद दशहरा की छुट्टी हो जाएगी। तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो घर जाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी मैं इससे पहले नाश्ता करवा देती हूँ। हो गए हैं तैयार, चलिए निकलिए स्कूल जाने के लिए, बाय बाय करके। फिर से बारिश शुरू हो गई और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि भीग जाऊं, लेकिन नहीं भीग सकती, तबीयत मेरी हमेशा ख़राब हो जाती है बारिश में भीगने की वजह से। इसमें मैंने छौंका भी लगा दिया है, देखिए। और यहाँ मैंने आलू को बॉईल करके रखा है जिसका मैं चोखा बनाऊंगी। और साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, बहुत ही स्पाइसी रेड और ग्रीन चटनी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बनाना बाकी है तो मैं जल्दी से चावल बना लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि बारिश कब तक रुकती है। तो ठंडा ठंडा पूरा मौसम हो गया है और अच्छा लग रहा है। जा रही हूँ चावल चालने, क्योंकि मैं अभी अरवा चावल ही बना रही हूँ। ऐसे हम सब उसना चावल खाते हैं, तो जब से नवरात्रि चढ़ा है उसके एक दिन पहले से ही मैं अरवा चावल बना रही हूँ। चावल को चाल रही हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे चावल भी निकलते हैं। तो जो खड़ा चावल है उसका मैं भात बनाऊँगी और दाल चटनी मैंने बना लिया है, उसके बाद चोखा भी मैं लूँगी। तो बच्चों के आने के पहले मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है और सुबह भी बच्चे अच्छे से खा कर नहीं जाते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी बना लूँ ताकि आए तो गर्मा गर्म उन्हें मैं खाना खिला सकूँ। तो ये हमारे घर का चावल है, चावल की खेती होती है और कुछ तो नहीं होता, लेकिन हाँ चावल और थोड़े बहुत आलू होते हैं तो घर से ही आ जाती है। इसे मैं चालती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी। इसे चलने से चलना होता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे चावल के दाने निकल गए हैं और ये जो चावल है इसका मैं भात बनाऊंगी। और तेज़ हो गई है, बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं पूरे पेड़ के पत्ते भीग चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको खिड़की से दिखलाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ हमने शाम की आरती पूजा कर ली है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।